हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका लिखा है कि एक घोल है और जिसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है जो कि 20:7 के अनुपात में। अब इसमें कहा है कि यदि इसमें हम 5 लीटर पानी मिलाने के बाद दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 5:3 कितना हो गया, 3 हो गया। अब बताना कि फाइनल में इसमें वाटर कितना होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क एंड वाटर का आपको जो रेशियो गिवन है वो दिया 20:7 का दिया है, और लास्ट में ये जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 5 से कितना हो गया, 3 का हो गया। अब देखो, बेसिकली हमसे क्या कह रहा है कि हमने 5 लीटर वाटर को ऐड किया है, हमने मिल्क को तो ऐड नहीं किया ना, तो जिसको ऐड नहीं किया इसको हमें इक्वल करना पड़ेगा, और इक्वल करने के लिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ए 20 हो गया, ए कितना हो गया, ए आपका 12 हो गया, क्योंकि आपका मिल्क 20 था, अब भी 20 है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आया वो निकल गया 20:12 का। तो अब देखो यहाँ हमने कितना वाटर ऐड किया, तो देखिए ये आपके 5 किया ना, 5 यूनिट, और 5 यूनिट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन हमें गिवन है 5 लीटर। तो यहाँ से आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल के आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1 लीटर। अब हमसे पूछा था कि अंतिम में पानी कितना होगा, तो पानी कितना दिया है, 12 टॉयल। तो इसका मतलब जब आपका 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर है तो टॉयल की वैल्यू कितना होगी, 12 लीटर। तो इस तरीके से आपका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 12 लीटर। तो ये आपका क्या होगा आंसर।